कोरोना संक्रमण के चलते उच्च शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, तो वहीं अब आगामी सत्र पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना काल में उच्च शिक्षा पर पड़े प्रभाव और उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। कोरोना संक्रमण के चलते उच्च शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में राजस्थान में उच्च शिक्षा में किस तरह के जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह के जो तमाम जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का जो प्रभाव उच्च शिक्षा पर पड़ा है कोरोना के चलते? देखिए, वैसे तो कोरोना की वजह से हर आमजन प्रभावित हुआ है। उच्च शिक्षा की बात यदि हम करें तो मार्च के महीने में हमारे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही थी और अचानक लॉकडाउन की वजह से सारी परीक्षाएं हमें बीच में स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत गया। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन करना और उसके साथ साथ हमारा जो आगामी जो शैक्षणिक सत्र है 2021 का, वो भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बन गई है। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर सबसे बड़े 2 ये प्रभाव पड़े हैं। विद्यार्थी अपने घरों में बैठे हैं, वो अपनी पढ़ाई नियमित नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों को लेकर हम लगातार मंथन भी कर रहे हैं और उसके समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते राजस्थान में जो उच्च शिक्षा के जो एग्जाम होने थे वो स्थगित किए गए, अब किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है एग्जाम को लेकर? देखिए, 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया परीक्षाओं के स्थगित हुए, क्योंकि परीक्षाएं अधूरी है, अधिकांश या उससे कम परीक्षाएं बाकी है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये निर्णय किया है कि हमारी जो शेष रही परीक्षाएं हैं उनका आयोजन हम जुलाई के मध्यान्ह से करें, प्रारंभ करें, और उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। उसके तहत जो यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं, सबसे पहले हम उन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। उसमें भी जो छोटी परीक्षाएं हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम होती है, हर विश्वविद्यालय में 500, 1000, 2000, प्रारंभिक तौर पर हम उन परीक्षाओं को शुरू करेंगे। उसके बाद मिड जुलाई से फाइनल ईयर की यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, क्योंकि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को अपनी डिग्री लेकर के आगे उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश लेना होता है या उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती है, कंपटीशन में भी उनकी डिग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए हम फाइनल ईयर की परीक्षाएं पहले कर रहे हैं और उसमें भी पूरा हमने विश्वविद्यालयों के साथ आज राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स के साथ VC की है और हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए, पूरी तरह से विश्वविद्यालय कैंपस को परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए, मास्क आदि की व्यवस्था पूरी की जाए और पूरी तरह से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्रों को बढ़ाते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जाए और परीक्षाएं आयोजित की जाए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की यदि हम बात करें तो उन परीक्षाओं का आयोजन फाइनल ईयर की परीक्षाएं होने के बाद में उन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, परिस्थितियां ठीक होने के अनुसार धीरे धीरे। तो हमने ये शेड्यूल बनाया है और जहां तक प्रवेश की बात है तो फर्स्ट ईयर और PG प्रीवियस के जो एडमिशन है वो 12th का CBSE का या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के बाद फर्स्ट ईयर के एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, प्रवेश दिए जाएंगे और फर्स्ट प्रीवियस में PG का UG का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद में प्रीवियस के एडमिशन की प्रक्रिया हम करेंगे। तो हमने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो परीक्षा के बाद रिजल्ट का कार्य है वो भी बहुत तेज गति से करें, उसका मूल्यांकन जल्दी से जल्दी कराएं ताकि विद्यार्थियों का रिजल्ट भी समय पर आ सके और वो अपने आगामी कक्षाओं में प्रवेश ले सके। ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो समाप्त होने जा रहे हैं, तो उसके बाद में आगामी पढ़ाई किस तरह से सुचारू की जाएगी बच्चों की, ताकि जो आगामी सत्र में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो उनके पढ़ाई को लेकर? देखिए,
मैंने जैसा आपको बताया कि जो आगामी जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रारंभ होगा, तो उसमें शुरुआती दौर पे जब तक कोरोना की परिस्थितियां ठीक नहीं हो पाती या सामान्य नहीं हो जाती, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी हमारी कक्षाओं में कम भी आएंगे तो हमने वर्क फ्रॉम होम के तहत पिछले 2 महीनों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान हमारे राजस्थान के सभी शिक्षकों के सहयोग से ऑनलाइन मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में हमने तैयार करवाया है। ई लेक्चर हमने राजस्थान के तमाम हमारे शिक्षकों के द्वारा ई लेक्चर करने का हमने रिकॉर्ड करने का काम हमने दिया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ई लेक्चर रिकॉर्ड करके कॉलेज की वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या सामने ये आ रही है कि गरीब जो तबके के जो स्टूडेंट हैं उनके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, या बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो उसके तहत किस तरह से उनको जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, इन सब बातों को लेकर भी कुछ मॉनिटरिंग की गई है? देखिए, निश्चित रूप से जो पूरा सिलेबस है हमने ऑनलाइन अपडेट करने की कार्य योजना बनाई है और वो हम आने वाले समय में अतिशीघ्र पूरा सिलेबस ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामान्य होगी तो हम कॉलेज खोलेंगे और हमारे विद्यार्थियों को जो एकेडमिक जो लॉस होगा, उनकी पढ़ाई के दिन जो कम हुए हैं, उसके लिए भी हमने ये निश्चय किया है कि जो दशहरे की छुट्टियां हैं, दीपावली का अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है, या परीक्षाओं से पहले जो प्रिपरेशन लीव होती है, वो सारी हमें कम इन परिस्थितियों को देखते हुए कम करनी पड़ेगी और वो जो दिन है हम वो एकेडमिक डेज के रूप में ले लेंगे, ताकि विद्यार्थियों की कक्षाएं छुट्टियों के दिनों में भी हम कक्षाएं लगा करके विद्यार्थियों का सिलेबस हम एनी हाउ किसी भी प्रकार से पूरा करवाने के लिए हम ये जो छुट्टियां हैं इनको भी कम करेंगे और विद्यार्थियों का सिलेबस आगामी शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं पूरी प्रारंभ हो 2020-21 की, उससे पहले हम विद्यार्थियों का एकेडमिक सत्र पूरा करवाने के लिए भी हमने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि राजस्थान का जो उच्च शिक्षा का स्तर है लगातार गिरता नजर आ रहा है, रैंकिंग की बात करें तो उसमें भी, चाहे एशियन रैंकिंग में देखे, चाहे MHRD की जो रैंकिंग होती है उसमें, तो उसको लेकर कोरोना का भी एक दूसरी ओर से जो प्रभाव पड़ रहा है राजस्थान में शिक्षा को लेकर, तो अब स्तर को बढ़ाने के लिए किस तरह के जो प्रयास है वो किए जाएंगे उच्च शिक्षा विभाग की ओर से और तमाम सरकार की ओर से? राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी पहले दिन से, इस बार जब आप उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 2019-18 में, तो मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनकी श्रेणी में किस प्रकार से खड़ा हो, उस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में 2 नए विश्वविद्यालय पहले ही बजट में पहली कैबिनेट की मीटिंग में खोलने की घोषणा की, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ विधि का विश्वविद्यालय। और न सिर्फ विश्वविद्यालय खोले गए बल्कि राजस्थान के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 नए राजकीय महाविद्यालय 2019-20 के बजट में खोलने की घोषणा, न सिर्फ घोषणा हुई बल्कि उनको शुरू कर दिया गया। 2020-21 का जब बजट पेश किया गया तो इसमें भी करीब 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। कोरोना की वजह से वो प्रोसेस अभी रुका हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो आज बहुत पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम आगे किस प्रकार से ला सकते हैं, उसको देश के अग्रणी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हम हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों को दे सकें, इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारा काम कर भी रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान की जो स्थिति है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छे स्तर पर और एक उभर कर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मंत्री ने बताया कि राजस्थान में भी उच्च शिक्षा के अंदर जो कोरोना का जो प्रभाव है वो दिखाई दिया है, जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश 16 A1 TV।